हेलो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू के पी क्लासेस आज हम जून 2019 पार्ट सी की एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो लीनियर एल पर बेस है और प्रॉब्लम है लेट पी एक्स ए नॉट प्लस एक्स प्लस डॉट डॉट सो वन प्लस ए एन एक्स एन बी ए नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एंड ग्रेटर देन इक्वल टू वन कंसिडर द पॉलिनोमियल क्यू एक्स इक्वल्स टू इन इंटरग्रेशन फॉर्म जीरो टू एक्स पी टी डी टी एंड आर एक्स इक्वल्स टू डिफ्रेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फंक्शन है पी एक्स लेट वी डिनोट द रियल वैक्टर स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल इन एक्स दैन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू तो हमको चेक करना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शंस है और ऑप्शन फर्स्ट बोल रहा है कि Q एंड R आर लीनियरली इनडिपेंडेंट इन V सेकेंड ऑप्शन लीनियरली डिपेंडेंट थर्ड ऑप्शन X की पावर n बिलोंग्स टू द लीनियर स्पान ऑफ Q एंड R एंड फोर्थ ऑप्शन इज X की पावर n प्लस वन बिलोंग्स टू द लीनियर स्पान ऑफ Q एंड R तो so फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जब दो वैक्टर जब दो वैक्टर एल डी तभी होते हैं जब वो एक आ, किसी एक को दूसरे के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूप में हम लिखते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं उस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं कि पी एक्स हमारे पास क्या है पी एक्स हमारे पास है ए नॉट ए वन एक्स ये है ठीक है और हमें ध्यान रखना है कि इसमें ए नॉट इक्वल टू जीरो है ए नॉट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है ठीक है फ्रेंड्स इसमें ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है अब देखिए क्यू एक्स है इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन लिमिट है ज़ीरो टू एक्स तो हमें क्यू एक्स क्या मिल जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स पी टी डी टी ओके फ्रेंड्स तो जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो सभी की एक uh, जो वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज़ हो जाएगा तो ए नॉट के साथ आ जाएगा ए नॉट टी प्लस ए वन टी स्क्वायर बाई टू प्लस डॉट डॉट ए एन एक्स की पावर एन प्लस वन और एन प्लस वन लिमिट ज़ीरो टू एक्स जीरो टू एक्स तो जैसे ही पुट करेंगे लिमिट क्या आ जाएगी तो क्यू एक्स हमारे पास आ जाएगा ए नॉट एक्स प्लस ए वन एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन एन प्लस ए एन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन ये हमारे पास आ चुका है क्यू एन क्यू एक्स अब आर एक्स इक्वल्स टू इस क्यू पी एक्स का क्या है डेरिवेटिव करना हमको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो हमें आर एक्स क्या मिल जाएगा डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स अब देखिए जैसे डेरिवेटिव करेंगे तो हम क्या मिलेगा जीरो बिकॉज इज ए कॉन्स्टेंट एक्स का हो गया वन तो हमें मिला ए वन प्लस डॉट 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 प्लस एन ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन लास्ट वाले का हमने डायरेक्टली कर दिया ठीक है अब हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन ऑप्शन के अंदर कि क्यू एंड आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट तो हम सिंपली हम जानते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट के लिए क्या होता है कि दो वैक्टर जब होते हैं लीनियरली डिपेंडेंट तब हम एक वैक्टर को दूसरे वैक्टर के, के स्केलर मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिख सकते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं तो Q एंड R की बात हो रही है तो हम क्या लिख सकते हैं Q इज ए स्केलर मल्टी स्केलर मल्टीपल ऑफ आर किसके लिए क्यू एन आर एल डी क्यू एन आर एल डी ठीक है फ्रेंड्स क्यू एन क्यू एन आर इज एल डी कब जब क्यू इज ए स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ आर तो हम क्यू एन आर एल डी इट मीन्स क्यू को हम आर के स्केलर मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं तो सपोज करिए कोई मैंने स्केल ले लिया एल्फा एल फाइज जे स्केलर और आर तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ओके okay फ्रेंड्स तो अब देखिए हम इस फॉर्म में जो भी फंक्शन हमको डिफाइन कर रखा है उसको हम इस फॉर्म में पुट करते हैं तो क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है ए नॉट टी सॉरी ए नॉट एक्स प्लस ए वन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस डॉट डॉट ए एन माइनस वन एक्स एन अपॉन एन प्लस ए एन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इक्वल्स टू अब देखिए हमारा अल्फा आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है ए वन प्लस डॉट 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 प्लस एन ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन देख अब देखिए फ्रेंड्स इस क्यू एक्स के अंदर जो पॉलिनोमियल की डिग्री है पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है एन प्लस वन और इस आर एक्स के अंदर जो पोलिनोमिल की डिग्री है वो कितनी है डिग्री है ये एन माइनस वन तो पोलिनोमिल की डिग्री ही बहुत बहुत साइड क्या है डिफरेंट है तो डिफरेंट है तो इट मीन्स हम इस वेक्टर को इस वेक्टर के स्केल और मल्टीप्लिकेशन के रूप में नहीं ले सकते यहाँ पे डिग्री क्या होनी चाहिए थी इक्वल होनी चाहिए थी ठीक है तब हम फिर डिसाइड करते हैं कि ये इसके कॉम्बिनेशन स्केल और मल्टीपल के रूप में लिखा जा सकता है या फिर नहीं लिखा जा सकता बट यहाँ तो इसकी डिग्री कितनी है एन प्लस वन और इसकी डिग्री कितनी है एन माइनस वन तो इसको हम इसके स्केलर इस मल्टीपल के रूप में नहीं ले सकते तो अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शन चेक करें तो इस अकॉर्डिंग ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया क्योंकि ये एल डी एल डी तो है नहीं क्योंकि ये इसके स्केलर मल्टीपल के रूप में लिखा नहीं जा सकता इट मीन्स वो क्या होगा एल आई होगा तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फर्स्ट हो गया सही और सेकेंड हो गया रॉन्ग हो गया ठीक है अब हम आते हैं ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर के अंदर एक्स एन बिलोंग्स टू द लीनियर स्पन ऑफ क्यू एंड आर तो हमको क्या करना है कि एक्स एक्स एन को लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है इसके और इसके मीन्स एक्स की पावर एन इक्वल्स टू ए क्यू एक्स प्लस बी आर एक्स इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है या फिर नहीं फर्स्ट बार तो ये लम को लेना है और सेकंड बार एक्स की पावर एन प्लस वन लेना है ठीक है फ्रेंड्स तो अब देखिए क्यू एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है सबसे पहले हम एक्स एन के लिए सॉल्व करते हैं और ए क्यू एक्स की वैल्यू हमारे पास है ए नॉट एक्स प्लस ए वन एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस प्लस डॉट डॉट्स वन ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन एन प्लस ए एन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस बी आर एक्स की वैल्यू हमारे पास है ए नॉट ए वन प्लस एन ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन हम थोड़ा कंपेरिजन करते हैं बहुत साइड और ए और बी की वैल्यू क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं तो अब देखिए ए ए नॉट एक्स प्लस बी ए वन इस वाला ये इसके साथ ले लिया मैंने फिर प्लस ए ए वन एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस बी एन ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन हमने बाकी वालों को ऐसा कैसा ड्रॉप कर दिया और इक्वल में हमारे पास क्या है एक्स एन है अब देखिए सबसे पहले हम लेते हैं एक्स नॉट की कंपेरिजन करते हैं बहुत साइड तो इस तरफ का एक्स नॉट कितना है ज़ीरो तो बी ए वन इक्वल टू क्या आ गया ज़ीरो तो हम जानते हैं कि ए वन यहाँ पर क्या है कि पोलिनियोमिल का क्या है एक्स एक एक का कॉफिशेंट है जो कि जीरो नहीं हो सकता तो ज़ीरो हम यहाँ पर क्या होगा बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे ज़ीरो अब हम कंपेरिजन करते हैं बी की बी की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट हो चुकी है अब हम कंपेरिजन करते हैं एक्स की करते हैं कंपेरिजन किसकी करते हैं एक्स की तो देखिए ए ए नॉट इक्वल टू वापस क्या मिल जाएगा हमको ज़ीरो तो ए नॉट तो पॉलिनोमल की डिग्री का कॉफिशेंट है तो इसको तो हम जीरो कर नहीं सकते तो जीरो क्या होगा यहाँ पर ए ज़ीरो हो जाएगा तो एक्स एन क्या आ जाएगा टोटली क्या हो जाएगा ज़ीरो तो इट मीन्स एक्स एन को क्यू और आर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं लिख सकते तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर चेक करें तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया डिस्कार्ड हो गया कि ये बोल रहा है कि एक्सएन को हम लीनियर कॉम्बिनेशन क्यू एंड आर के रूप में लिखा जा सकता है बट यहाँ पे ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट क्या हो रही है जीरो हो रही है तो इट मीन्स एक्सएन को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं लिख सकते इसी तरह से अगर हम एक्स एन प्लस वन के लिए चेक करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एन प्लस वन और एन प्लस वन तो सिंपली हम देखते हैं कि अगर ये वाला ही हम अगर कॉम्बिनेशन ले अगर ये वाला ही हम अगर कॉम्बिनेशन ले तो इस वाले केस में भी हमको ए बराबर ज़ीरो और बी बराबर क्या मिल रहा है जीरो तो एक्स एन प्लस वन को भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं लिखा जा सकता है आप चाहो तो इसमें अदर कॉपिशंट की भी कम्पेरिजन कर सकते हो इसमें मैंने पूरे के पूरे वेरिएबल लिखे नहीं है तो आप चाहो तो दूसरे वेरिएबल की भी कंपेरिजन करवा सकते हो और उसमें हमको ए और बी क्या मिलेगा जीरो मिलेगा तो अकॉर्डिंग टू तो अगर ऑप्शन चेक करें तो इसका ओनली फॉर फर्स्ट ऑप्शन सही होगा और ये जून 2019 में 4.75 मार्क्स के अंदर पूछा गया था थैंक यू फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें